कर रहे हैं कैपिटल गेन में, आज हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेक्शन है 55 सबसेक्शन 2. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 55 सबसेक्शन 2. कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन. हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हमें कैपिटल गेन निकालना है तो हमें चाहिए सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, और सेल कंसिडरेशन से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया. नेट सेल कंसिडरेशन और इसमें से माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना हो तो लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये दोनों आइटम आप माइनस करोगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा. तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझना है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड्स एक्चुअल कॉस्ट तो लेना ही है आपको. एक्चुअल कॉस्ट के अलावा क्या क्या एड करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो पहला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, फर्स्ट लिटिगेशन एक्सपेंसेस यानी कोई भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस है, और ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस आपने किया है. लिटिगेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एसएससी तो ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. ठीक है, सपोज आपने एक घर खरीदा है, आपने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेज किया है, हाउस प्रॉपर्टी परचेस्ड, और ये प्राइस आपका है 10 लाख की हाउस प्रॉपर्टी है. ठीक है, घर खरीदने के बाद ये घर, इसमें लिटिगेशन था, कई सारे लिटिगेशन थे, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ये, और डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए लिटिगेशन एक्सपेंसेस आपने किया है. लिटिगेशन एक्सपेंसेस टू क्लियर ऑल द डिस्प्यूट्स सपोज ये क्लियर करवाने में लिटिगेशन का 2 लाख का खर्चा हो गया. आपने घर खरीदा, घर खरीदने के बाद आपको पता चला इस घर में तो काफी ज्यादा उलझने थी, काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, और इस डिस्प्यूट को सेटल करने में आपने 2 लाख लिटिगेशन का खर्चा कर दिया. कोर्ट का खर्चा है, एडवोकेट का खर्चा है, ये आपने 2 लाख एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया. तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू 12 लाख, 12 लाख रुपए, ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड्स इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज ऑफ एन एसेट इन बिजनेस और प्रोफेशन यानी आपने कोई एसेट लोन लेके खरीदा है तो पुट टू यूज तक का जितना भी लोन है इंटरेस्ट है, पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जुड़ जाएगा. ये हम लोगों ने बिजनेस प्रोफेशन में भी देखा था कि बिजनेस प्रोफेशन में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जब एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट को कॉस्ट के साथ मर्ज कर देते हैं. यहां भी वही करना है कि टोटल इंटरेस्ट पुट टू यूज तक का टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ मर्ज करना है. सपोज आपने 10 लाख का एसेट्स खरीदा, 10 लाख कॉस्ट है एसेट्स का, और ये आप खरीदा है ऑन बोरोड कैपिटल यानी लोन लेकर के आपने ये एसेट्स खरीदा है, लोन लेके आपने ये एसेट्स खरीदा है, तो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट जाएगा
और ये आपने खरीदा है बाय लोन बाय कैपिटल बोरोड, कैपिटल बोरोड आपने लोन लिया एट 12% पर एनम, ठीक है। 12 लाख की एसेट्स आपने लोन लेकर के खरीदा है ऑन 1st July 2015 और एसेट्स पुट टू यूज किया एंड पुट टू यूज ऑन 1st September 2015, यानी 1 सितंबर को आपने पुट टू यूज किया, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने, पुट टू यूज से पहले 2 महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड आ हो जाएगा, तो इंटरेस्ट आप ऐड करोगे, ऐड इंटरेस्ट फ्रॉम 1st July 2015 टू 31st August 2015, 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया 10 लाख का 12% के हिसाब से डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 20,000, यानी टोटल हमारा कॉस्ट हो गया 10.2 लाख। ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा हो गया 10.2 लाख, ठीक है, 10.2 लाख ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट हमारा है एनी अमाउंट पेड टू डिस्चार्ज द मॉर्गेज यानी मॉर्गेज डिस्चार्ज करने के लिए आपने जितना अमाउंट पे किया है, सपोज आपने कोई एसेट्स खरीदा है, सपोज घर खरीदा है आपने, हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेज की और अमाउंट था परचेज फॉर रुपए 20 लाख, 20 लाख में आपने घर खरीदा और इस घर के अगेंस्ट लोन था, यानी लोन ऑटस्टेन ने रुपए 5 लाख, यानी जिस टाइम आपने घर खरीदा उस टाइम लोन आउटस्टैंडिंग था 5 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए आपने ओनर को दे दिया और 5 लाख आपने बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है, बैंक 5 लाख आउटस्टैंडिंग था ये पे कर दिया, पेड टू डिस्चार्ज द मॉर्गेज, यानी घर के अगेंस्ट जो लोन चल रहा था उस घर को मॉर्गेज करके आपको लोन दिया था बैंक ने, तो आपने बैंक को रिपे कर दिया 5 लाख, 5 लाख ओनर को पे किया, 5 लाख बैंक को जमा करवा दिया, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कितना हो गया, इक्वल टू 20 + 5 यानी 25 लाख, 25 लाख ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं cost to the previous owner when transaction not regarded as a transfer, यानी जब हमारा ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाता है, ठीक है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर व्हेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो हम लोगों ने सेक्शन 47 कल किया था,
कि सेक्शन 47 में ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, उसमें कई सारे लिस्ट बनाया था हम लोगों ने, जैसे गिफ्ट है, पहला एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग गिफ्ट। अब मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने घर खरीदा, हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है 20 लाख में, हाउस प्रॉपर्टी 20 लाख में परचेज किया है, हाउस प्रॉपर्टी परचेज फॉर रुपए 20 लाख परचेज किया है, हाउस प्रॉपर्टी परचेज 20 लाख। अब मिस्टर एक्स ने ये घर गिफ्ट कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू मिस्टर वाई, तो क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ये गिफ्ट इज नॉट ए ट्रांजेक्शन, नॉट ए ट्रांजेक्शन रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट ए ट्रांजेक्शन रिगार्डेड एज ट्रांसफर, यानी ये ट्रांसफर नहीं है, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक्स वाई को ट्रांसफर नहीं किया है एसेट, तो इसका मतलब एक्स के हैंड में कैपिटल गेन होगा? नहीं होगा, एक्स के हैंड में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। तो इसीलिए एक्स के लिए जो कॉस्ट था, अब ये कॉस्ट यहां से शिफ्ट होके कहां चला जाएगा? यहां पे वाई के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर, कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर, प्रीवियस ऑनर, प्रीवियस ऑनर कौन था इस घर का? मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स के लिए कॉस्ट है 20 लाख, तो इसके लिए कॉस्ट हो जाएगा 20 लाख। तो जहां पे ट्रांजेक्शन हमारा ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसका मतलब कैपिटल गेन तो यहां लग नहीं रहा, इसीलिए इसका कॉस्ट ऑनर के ऊपर, जो नया ऑनर बनेगा उसके पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी आप कैपिटल गेन निकालोगे तो जो बेनिफिट एक्स को मिलना चाहिए था वो बेनिफिट किसको मिलेगा? वाई को। तो एक्स का जितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही सेम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाई के लिए होगा। तो ये उस सारे केस में होगा जिसमें ट्रांजेक्शन हमारा ट्रांसफर नहीं माना जाता, ठीक है? उस केस में हम लोग कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर, ठीक है? ये सेक्शन 49(1) में लिखा है कि कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर, कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर, प्रीवियस ऑनर, ये हमारा सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में लिखा है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर, ठीक है? यहां हम लोग लिस्ट नहीं लिखेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा ट्रांसफर नहीं है, ठीक है? कई सारे ट्रांजेक्शन है। अब इसमें एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब, इनटेंजिबल एसेट्स किसको कहेंगे? इनटेंजिबल एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी ये हमारा गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल ऑफ ए बिजनेस, गुडविल ऑफ ए बिजनेस, यानी गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन नहीं, नॉट प्रोफेशन, ठीक है? नॉट अ प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते प्रोफेशन? क्योंकि प्रोफेशन के केस में उस पर्सन की वजह से गुडविल है, पर्सन की वजह से गुडविल है, तो इसीलिए ये पर्सनल इफेक्ट्स आ जाएगा और फिर इस केस में कैपिटल गेन नहीं होगा। पर्सनल इफेक्ट्स वाले एसेट्स को हम लोग कैपिटल एसेट्स ही नहीं कहते। कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन से हटा दिया कि ये पर्सनल इफेक्ट्स है, ये कैपिटल गेन नहीं होगा। तो गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन, प्रोफेशन का गुडविल है तो कैपिटल गेन नहीं होगा, बिजनेस की गुडविल है तब कैपिटल गेन होगा,
ठीक है, क्योंकि बिजनेस के केस में पर्सन पे कुछ नहीं डिपेंड करता। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर धीरूभाई अंबानी मर गया तो क्या उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई? लेकिन अगर कोई डॉक्टर एक क्लिनिक चला रहा है, अचानक से डॉक्टर मर जाता है तो क्लिनिक तो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि वो क्लिनिक डॉक्टर की वजह से था। तो इसीलिए वो पर्सनल इफेक्ट्स माना जाता है, और जब प्रोफेशन का गुडविल है तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, सिर्फ बिजनेस के गुडविल लेना है। तो पहला गुडविल हो गया, सेकंड पेटेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, नो हो मतलब जानकारी, आपके पास जो जानकारी है वो आप हमें जानकारी दोगे तो आप फ्री में तो दोगे नहीं, तो इस नो हो के केस में भी कैपिटल गेन होगा। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हो, लूम आवर, रूट परमिट, टीनेंसी राइट्स। तो ये हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है, एसेट्रा लिख देते हैं हम लोग, एसेट्रा, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स को आप बेचोगे, इनटेंजिबल एसेट्स को बेचेंगे तो कौन सी कैपिटल गेन, सॉरी, इनटेंजिबल एसेट्स को बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। तो ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ये एसेट्स हमारी दो तरह की एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स दो तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड यानी आपने गुडविल खुद जनरेट किया है, और एक है कि हम लोग खरीद लेते हैं, यानी हाँ परचेस्ड, आपने गुडविल खरीदा है। जैसे फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हो, फ्रेंचाइजी ले लिया और फिर इन फ्रेंचाइजी को बेचोगे आप तो कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड नहीं है। तो ये हमारा परचेज हो गया कि आपने ट्रेडमार्क परचेज किया फिर आगे बेच दिया तो कैपिटल गेन। लूम आवर, हाँ, इसमें आप कई सारे वर्ड्स लिखा है, गुडविल पता है आपको, गुडविल, पेटेंट होता है ये फर्स्ट इन्वेंटर, आपने कोई चीज आविष्कार किया है या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था, तो उसका पेटेंट करवा लो ताकि कोई इसका नकल ना कर पाए, तो ये पेटेंट है। कॉपीराइट है कि आप कोई किताब लिखते हो तो उसका कॉपीराइट अपने पास रख लेते हैं, तो कॉपीराइट को रजिस्टर्ड करवाना होता है। ट्रेडमार्क है कि आपका लोगो, सिंबल, मोनोग्राम, सिग्नेचर, ये सब ट्रेडमार्क होता है। कि अगर मान लो यहाँ पे आपको एक मोनोग्राम बता दें तो आप बता दोगे मोनोग्राम किसकी है, सिर्फ फोटो देख करके आप बता दोगे ये किस कंपनी का है, किस, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सिंबल देख के आप समझ जाते हो ये किसका है, तो ये ट्रेडमार्क है। नो हो, हाँ, इंफॉर्मेशन, आपके अंदर की जानकारी। लूम आवर, ये लूम आवर जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। टेक्सटाइल में जो किसान है, किसान के पास कॉटन होता है, रुई होता है, और रुई बेचता है तो सस्ते दाम में मांगता है, तो अब इस रुई को आपसे सस्ते दाम पे खरीदेगा और फिर उससे कॉटन गार्मेंट्स बना करके काफी महंगे रेट पे बेचता है। तो यहाँ पे उनके लिए, किसान के पास रुई है लेकिन प्लांट मशीनरी नहीं है, तो क्या करेगा किसान? तो कई सारे इंडस्ट्री है जो प्लांट मशीनरी पूरा सेटअप करके रखी हुई है, और सेटअप करके रखा हुआ है, सिर्फ आवर बेच देता है, स्लॉट बेचता है कि एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, पांच घंटे का स्लॉट आप ले लो, क्योंकि पूरे आवर लोगे तो ज्यादा कॉस्टली होगा। तो आपके पास जितनी कॉटन है, और जितने कॉटन से या तो आप यार्न बना के बेचो, थ्रेड बना करके बेच देते हैं, या उससे आप फैब्रिक बना के बेचो, जैसे भी बनाने हैं आपको, क्योंकि कॉटन आप बेचोगे सस्ते रेट में मिलेगा, यार्न बना दिया आपने तो आपका महंगा बिकेगा, फैब्रिक बना दिया तो और भी महंगा बिकेगा, तो इसीलिए आप स्लॉट खरीद लो और फिर लूम आवर, उसी को लूम आवर कहते हैं।
सपोज आपने स्लॉट खरीद लिया, 5 घंटे का स्लॉट खरीद लिया। 5 घंटे का स्लॉट खरीदने के बाद अब आप देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा 2 घंटा तो यूज होता है, 3 घंटे का स्लॉट आइडल रहता है, तो ये 3 घंटे की स्लॉट को फर्दर बेच दो आप, तो वो बेचोगे तो उस पे भी कैपिटल गेन होगा, तो ये हमारा लूम आवर कहलाता है। और रूट परमिट है, पूरे इंडिया का रूट परमिट आपके पास है, तो रूट परमिट लेने में काफी मुश्किल होती है, तो रूट परमिट आप खरीद सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, और आप रूट परमिट बेचोगे तो आपके एंड में कैपिटल गेन होगा। बनाने में कितना लगा था, या आपने पहले खरीदा था तो उस टाइम कितने का खरीदा, आप कितने का बेच रहे हो, तो इस पे कैपिटल गेन होगा। और टिनेंसी राइट है, टिनेंसी राइट यानी आप एक मकान में 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू रह जाते हो तो आपके पास टिनेंसी राइट आ जाती है। तो उसके बाद मकान मालिक जब भी आपको खाली करवाना चाहे तो आपको पहले इंटीमेशन देगा, 2 महीने 3 महीने एज पर एग्रीमेंट होता है कि आप खाली कर दो। ऐसे नहीं कि अचानक आएगा कहेगा अभी खाली करो, ऐसा नहीं कह सकता। तो ये टिनेंसी राइट है कि आप अगर मकान में रह लेते हो कंटिन्यूसली तो टिनेंसी राइट आपके पास आ जाता है। और कभी कभी टिनेंट को खाली करवाने के लिए भी पैसे देना होता है कि पैसे ले लो, 1-2 लाख रुपए लो और घर खाली कर दो। तो ये टिनेंसी राइट आप बेच रहे हो, टिनेंट के पास जो राइट हुआ है अब ये राइट बेच रहा है वो, तो ये टिनेंसी राइट है। तो अगर ये सारे गुडविल और ये टोटल आपका इंटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, 0। अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो आपने कुछ खर्चा किया इस पे, कुछ नहीं किया, आप बिजनेस करते गए, आपकी गुडविल बनती गई, तो आपने कुछ भी खर्चा नहीं किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगा। आपने खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया एक्चुअल कॉस्ट, जितने का आपने खरीदा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है। और 6 में लिखते हैं, 6 पॉइंट में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ, इन केस ऑफ एन एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1st अप्रैल, बिफोर 1st अप्रैल 1981, यानी आपने 1 अप्रैल 1981 से पहले कोई एसेट्स खरीदा है तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा इज हायर ऑफ 1st एक्चुअल कॉस्ट कि आपने कितने का खरीदा था, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st अप्रैल, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st मार्च 1981, यानी 31 मार्च 1981 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ये हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। इन दोनों में जो हायर है, अगर एक्चुअल कॉस्ट आपका हायर है तो एक्चुअल कॉस्ट आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, अगर फेयर मार्केट वैल्यू हायर है तो फेयर मार्केट वैल्यू आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। हाँ, इंप्रूवमेंट, क्योंकि इंप्रूवमेंट फेयर मार्केट वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है। अब देखो, अब इसका आपने सपोज एक मकान खरीदा, ये मकान खरीदा आपने 1st जुलाई 1974 में, ठीक है, आपने 1 जुलाई ये खरीदा, इसका कॉस्ट आपका पड़ा सपोज 5 लाख। इसके बाद एक और फ्लोर बनवाया, ये फ्लोर बनवाया 1st सितंबर 1978 में, उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर आपने बनाया 31 दिसंबर 1980 में। अब इस पूरे बिल्डिंग का, अब सपोज इस पे खर्चा आ गया हमारा 2 लाख का, इस पे खर्चा आ गया हमारा 4 लाख का, टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका 5
2,7,4,11,00,000, ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो गया, ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो गया। और फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू में पूरे बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई, पूरे बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू हो गई। तो फेयर मार्केट वैल्यू सपोज हमारा है 15 लाख का एज ऑन 31 मार्च 1981। तो ये 15 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है, इसमें इंप्रूवमेंट भी इंक्लूड हो गया। तो इसीलिए 1 अप्रैल 1981 से पहले की जो भी इंप्रूवमेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं लेते। तो अब इन दोनों में हायर कौन सा है? हायर हो गया हमारा 15 लाख, ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो नोट लिख लेते हैं हम लोग, इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर बिफोर 1 अप्रैल 1981 शैल बी इग्नोर्ड। यानी 1 अप्रैल 1981 से पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ यहां पे इंप्रूवमेंट लेकर के फिर इंडेक्सेशन करना शुरू नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू में इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो ये है। तो अगर आप CII याद रखना चाहते हो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, ये आया था 1981 में ही आया था, 81-82 से एप्लीकेबल हुआ था। तो पहला CII था 1981-82, ये 100 था, और इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते CII फॉर प्रीवियस ईयर 2015-16 आज के डेट में CII हो गया है 1081। कितना? 1000 times, मतलब 10 times, आप कह सकते हो 10-11 times इन्फ्लेशन आ गया है 81-82 से लेके और 2015-16 तक, यानी मोर 10 times से भी ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। ठीक है, तो ये हमारा, और एक और नोट लिखते हैं, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, एक और नोट लिख लेते हैं कि नोट नंबर 2, यही लिख लेते हैं नोट नंबर 2। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू, ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एंड इंटेंजिबल एसेट्स। यानी इंटेंजिबल एसेट्स के केस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन इंटेंजिबल एसेट्स के केस में नहीं मिलेगा। इवन इफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 1981, चाहे आपने 1 अप्रैल 1981 से पहले खरीदा है या बाद में खरीदा है, ये ऑप्शन आपको इनटेंजिबल एसेट्स के केस में नहीं मिलेगा। यानी गुडविल के केस में एक्चुअल में आपने खरीदा है तब तो एक्चुअल कॉस्ट, नहीं खरीदा है तो जीरो। यानी फेयर मार्केट वैल्यू तो होगा ही नहीं, चाहे आपने गुडविल 1981 से पहले खरीदा है या बाद में खरीदा है। किसमें इंप्रूवमेंट? इसमें नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ खर्चा होता है, लीगल खर्चा करना पड़ा आपको, तो वो सब ऐड हो जाता है। यानी आपने सपोज ट्रेडमार्क लिया है या कुछ लिया है, तो उसमें लाइसेंस फी जाता है एक सर्टेन टाइम के पास, गवर्नमेंट के पास, जो भी ये अगर आपका रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के पास एक सर्टेन पीरियड के बाद लाइसेंस फीस जमा करना होता है। तो अगर आपने फीस जमा की है तो वो ऐड हो जाएगा, वो भी इंप्रूवमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिफ्थ सिक्स
सेवन पॉइंट होगा, सेवन पॉइंट पे, पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर सेवन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स, यानी बोनस शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स एक्वायर्ड, बोनस शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड लिखते हैं, अलॉटेड बिफोर फर्स्ट अप्रैल 1981, बोनस शेयर्स अलॉटेड आफ्टर, अलॉटेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 1981, ठीक है, फर्स्ट अप्रैल 1981 से पहले अलॉट किया है या फर्स्ट अप्रैल 1981 के बाद में अलॉट किया है, तो बिफोर में आते हैं, बिफोर अलॉटेड बिफोर फर्स्ट अप्रैल 1981, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट, एज ऑन 31st मार्च 1981, 31 मार्च 1981 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, और उसके बाद अगर आपने परचेज किया है, अलॉट हुआ है बोनस शेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर ऑफ राइट शेयर्स, राइट शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स, राइट शेयर्स किसको कहते हैं, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी राइट देती है इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब भी किसी कंपनी की आईपीओ आती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहला राइट देते हैं कि अगर आप खरीदोगे हमारे शेयर्स तो और किसी को नहीं देंगे, और राइट ऑफर में कंपनी कुछ डिस्काउंट भी देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो क्या रिनो, हाँ उसमें अब कम राइट शेयर्स है, तो राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अब सपोज एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं तो ये ज्यादा समझ में आएगा, इसमें एक एग्जांपल साथ में ले लेते हैं हम लोग, सपोज राइट शेयर्स है कि राइट शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू है सपोज हजार रुपए फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 1000 रुपए पर शेयर, लेकिन राइट ऑफर दे रही है कंपनी, राइट ऑफर एट 800 पर शेयर, ठीक है, 800 रुपए राइट ऑफर है, कितना फायदा हो रहा है, 200 रुपए का फायदा हो रहा है, अब सपोज कंपनी दे रही है कि राइट ऑफर में कि 3 शेयर्स के बदला 1 शेयर्स या 5 के बदले 1 राइट शेयर्स, यानी 5:1 है, यानी 1 राइट शेयर फॉर 5 शेयर्स होल्ड, यानी 5 शेयर के बदला 1 राइट शेयर दे रही है कंपनी, सपोज शेयर होल्डर्स के पास नंबर ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास नंबर ऑफ शेयर्स है सपोज 10,000, 10,000 शेयर्स है पहले से उनके पास, तो राइट शेयर्स कितना मिलेगा, राइट शेयर इनको मिल सकता है, राइट शेयर्स इनको मिल सकता है 10,000 डिवाइडेड बाय
फाइव, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,000। अब ये 2,000 अगर कंपनी ये शेयर होल्डर्स खरीदना चाहता है तो शेयर होल्डर एक शेयर्स कितने का मिल रहा है 800 में, तो शेयर होल्डर्स के पास कितने पैसे चाहिए ये शेयर्स खरीदना है तो कितने पैसे चाहिए शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स खरीदना है तो कितने पैसे चाहिए, 16 लाख, 16 लाख रुपए चाहिए, तभी तो शेयर होल्डर्स खरीद सकता है। सपोज शेयर होल्डर्स के पास 5 लाख रुपए है, तो अब शेयर होल्डर्स के पास 5 लाख रुपए है, सिर्फ 5 लाख, तो 5 लाख रुपए में कितने शेयर्स आएंगे, 5 लाख में कितने शेयर्स आएंगे आप, हाँ 5 लाख को आप डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं करते हैं, 8 लाख ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, 8 लाख्स है, ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास 8 लाख रुपए है तो 1,000 शेयर्स खरीद सकता है, सिर्फ 1,000 शेयर्स। अब 1,000 शेयर्स, अब 8 लाख रुपए से 1,000 शेयर्स परचेज कर लिया, 1,000 राइट शेयर्स, राइट शेयर्स सब्सक्राइब, 1,000 राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिया, 1,000 राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिया, जो बैलेंस बचा है 1,000 शेयर्स वो क्या करेगा, इनके पास ऑप्शन है, अगर ये राइट ऑफर को बेच सकता है, अगर ये बेच सकता है 200 रुपए का फायदा हो रहा है तो ये फायदा किसी और को दे सकता है, दोनों ऑप्शन है, या तो खुद खरीद ले या राइट को और राइट ऑफर को बेच दे, तो यानी राइट ऑफर सेल कह सकते हैं, ऑफर सेल कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं राइट शेयर्स रिनाउंस्ड, राइट शेयर्स रिनाउंस। तो अब बताओ कि जब ये खरीदेगा तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जब ये शेयर्स खरीदेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, लेकिन जब ये राइट को रिनाउंस करेगा तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। अब बताओ 100 रुपए, 200 रुपए का फायदा हो रहा है, मैंने कहा कि ठीक है 100 रुपए का फायदा आप मुझे दे दो, 100 रुपए का फायदा आप ले लो, यानी आपको 800 रुपए का शेयर्स मिलेगा, मार्केट में खरीदोगे तो 1,000 रुपए का मिलेगा, तो 200 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 200 रुपए में 800 रुपए में तो आप शेयर्स खरीद लो और 100 रुपए आप मुझे दे दो, तो 100 रुपए आपने ले लिया और 800 रुपए कंपनी को दिलवा दिया, तो 100 रुपए आपको फायदा हुआ, आप यानी आप 800 रुपए तो पे करना ही है कंपनी को, तो जिसको आपने ऑफर सेल किया उसने कंपनी को 800 रुपए पर शेयर पे कर दिया और 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि 200 का फायदा हो रहा था तो 100 रुपए का फायदा खुद रखा और 100 रुपए का आपको लौटा दिया, तो आपको मिला है 100 रुपए, इस 100 रुपए के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा, इस 100 रुपए के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा, कुछ भी नहीं, ये 100 रुपए तो ऐसे ही मिल रहा है आपको, तो इसीलिए इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा 0 हो जाता है, जब भी राइट शेयर्स को रिनाउंस करोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाता है। तो यहां पे राइट शेयर्स के केस में 2 सिचुएशन बनता है, राइट ऑफर आप ले लेते हो, राइट शेयर्स आपने सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा एक्चुअल कॉस्ट, जितने का आपने खरीदा है ये आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस है राइट ऑफर सो सेल, राइट ऑफर सेल और रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स, ये भी कहते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स, राइट शेयर्स को रिनाउंस करते हैं, तो यहां पे हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा निल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 केस है,
कि एक्चुअल कॉस्ट और इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर आपने शेयर होल्डर सब्सक्राइब कर लिया है तो एक्चुअल कॉस्ट, शेयर होल्डर ने राइट शेयर्स को रिनाउंस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगा। तो अब बताओ इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो हो गया तो कैपिटल गेन कितना होगा? अगर ये 100 रुपए में बेच देता है और 1000 शेयर्स बेचता है तो सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 1000 × 100 यानी 1,00,000 रुपए, ये हमारा सेल कंसिडरेशन हो गया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो है तो कैपिटल गेन कितना होगा? 1,00,000 रुपए। टोटल 1,00,000 रुपए हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है? टोटल 1,00,000 यहां पे कैपिटल गेन हो जाएगा। तो कैपिटल गेन हो गया 1,00,000, सेल कंसिडरेशन 1,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमारा टोटल ये 1,00,000 कैपिटल गेन हो गया, ठीक है? तो ये हमारा राइट शेयर्स है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर नाइन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ डिमर्जर का मतलब है एक कंपनी से दूसरी कंपनी अलग हो जाती है। डिमर्जर का मतलब कि कंपनी अलग अलग हो जाती है, डिमर्ज हो गई। मर्ज का मतलब मिल जाना और डिमर्जर का मतलब अलग हो जाना। तो जैसे सपोज एक कंपनी है एबी लिमिटेड, ठीक है? एबी लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर्स का प्राइस है, शेयर प्राइस है सपोज 1000 रुपए पर शेयर, ठीक है? 1000 रुपए पर शेयर है, एक शेयर्स की वैल्यू 1000 रुपए है। अब ए बी लिमिटेड से एक कंपनी अलग हो जाती है, सपोज ए लिमिटेड अलग हो गई, ए ने अपना बिजनेस अलग कर लिया, ताकि अब हमारे साथ नहीं बन पाएगा तो आप हमारे एसेट्स लायबिलिटी दे दो, हम अलग शुरू करेंगे। तो अब ए बी लिमिटेड से ए लिमिटेड अलग हो गई, ठीक है? तो ये डिमर्जर है और ये हमारी रिजल्टिंग कंपनी हो गई, ये रिजल्टिंग कंपनी हो गई और ये डिमर्ज कंपनी हो गई, डिमर्ज कंपनी। अब ये डिमर्जर हो गई, डिमर्जर। तो ये शेयर प्राइस है बिफोर डिमर्जर, यानी डिमर्जर से पहले की प्राइस है 1000 रुपए पर शेयर। तो इस कंपनी से एक कंपनी अलग हो जाती है तो प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा या प्राइस सेम रहेगा? शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ेगा या शेयर प्राइस सेम रहेगा, या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, बताओ? अब एबी लिमिटेड के पास जितने भी एसेट्स लायबिलिटी थी उसमें से एसेट्स लायबिलिटी लेके ए तो अलग हो गया, तो शेयर का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो अब इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्या होगी आफ्टर डिमर्जर? प्राइस कितना होगा डिमर्जर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इक्वल टू डिमर्जर के बाद क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बिफोर डिमर्जर। डिमर्जर से पहले क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और इसमें से माइनस कर लें, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी आफ्टर डिमर्जर। डिमर्जर के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज कंपनी आफ्टर डिमर्जर।
आफ्टर डिमर्जर, ठीक है। डिमर्जर के बाद की प्राइस ये है, डिमर्जर के बाद की प्राइस ये है। अब यहां पे आते हैं रिजल्टिंग कंपनी के केस में, रिजल्टिंग कंपनी के केस में आते हैं। अब इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, क्योंकि इसका निकाल लोगे तो 1000 में से माइनस कर देंगे तो इसकी प्राइस आ जाएगी। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ डिमर्ज कंपनी के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर डिमर्जर से पहले की प्राइस क्या है कंपनी के शेयर्स की, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए ले लिया। अब इस 1000 रुपए को बाइफरकेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड ऑन डिमर्जर टू रिजल्टिंग कंपनी, यानी डिमर्जर के टाइम पे कितनी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स यहां से ट्रांसफर होके यहां पे आया। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड ऑन डिमर्जर टू रिजल्टिंग कंपनी डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ ऑफ द डिमर्ज कंपनी का नेटवर्थ क्या है इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर यानी डिमर्जर से जस्ट पहले हमें क्या देखना है, एबी लिमिटेड के नेटवर्थ देखना है इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर, डिमर्जर से पहले की इतना नेटवर्थ है। अब डिमर्जर के बाद, डिमर्जर के टाइम पे यहां से यहां पे कितने बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर हुआ, बस इस रेशियो में बाइफरकेट कर दो। अब सपोज मान लेते हैं कि डिमर्जर से नेटवर्थ क्या होता है, ये पहले लिख लें, नेटवर्थ मीन्स व्हाट, नेटवर्थ का क्या मतलब है। तो नेटवर्थ मतलब पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, ये हमारा नेटवर्थ, ठीक है। आपने नेटवर्थ निकाल लिया इस कंपनी की। सपोज इस कंपनी की नेटवर्थ डिमर्जर से पहले इस कंपनी की नेटवर्थ है 2500 करोड़, ठीक है, 2500 करोड़ ये नेटवर्थ है। और एसेट्स यहां से यहां पे ट्रांसफर हुई है उसकी वैल्यू है 1500 करोड़ के एसेट्स वहां से ट्रांसफर होके यहां पे आ गया। ये है नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स की बुक वैल्यू क्या है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 1500। तो इसको बाइफरकेट करेंगे तो कैसे होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1500 डिवाइडेड बाय
25 ठीक है, कितना आ गया 600। अब रिजल्टिंग कंपनी की शेयर्स की प्राइस 600 रुपये आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या रह गई, इसकी वैल्यू रह गई 1000 माइनस 600 यानी 400 पर शेयर, 600 पर शेयर। समझ के कैसे निकालना है, रिजल्टिंग कंपनी का निकाल के और डिमर्ज कंपनी का माइनस कर लो तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, थैंक यू।